विराट के बघेली समाचार में अपना पंचिन का सोनाली के राम राम। बड़ी खबर की शुरुआत कई थे रीवा जिले से, जहां बताए गए कोनो जमाना में पढ़ाई और अच्छे विद्यार्थी और यहाँ के बहुत सारे लड़कियां राजनीति के क्षेत्र में खूब आगे निकले वाले टीआरएस कॉलेज के लड़कियां अब गुंडागिरी में उतर आई हैं और कॉलेज के लड़ाई का अखाड़ा बना दिए हैं। जहाँ से खबर यह मिली है कि फिर दो लड़कियों के बीच में लड़ाई भई ही, मारपीट करे वाले युवक के नाम सौरभ पांडे बतावा जात है, जो उनके जिम संचालक आए ओखर रौब दिखाए के कक्षा में लड़त लाग है और एहिन बीच कौन बिटिया वीडियो बना के वायरल कर दी थी। जब यह लड़ाई भय तक कक्षा में बिटिया मौजूद रही है, जब खूब डरी सहमी रही हूँ। वीडियो वायरल होने के बाद उचित कार्यवाही के भरोसा दिन गहे अपना पंचे देखी कैसा गुंडागर्दी कीन जा लागी शिक्षा के मंदिर में। उखाड़ लिया जाऊ उखाड़ के जिम्मे बैठी थी हमारे लड़के ढूंढ के प्यार से बात करना तो नहीं चल रहा। तू चिंता तो मोबाइल चला रहे हैं देखो आज खिलौना कर क्या है से बात करना तो इज्जत से कर। चिरौला गया भैया कहा था चिरौला गया शहर में जब कौन नया पुलिस अधिकारी आवत है ता नया नया अभियान शुरू करत है, जो हफ्ता भर चलत है और फिर ठंडा जात है। रीवा के नए एसपी दिनेश कौशल पदभार संभालते हाका अभियान शुरू कीन रहा है, जेखर असर कुछ दिन तक खूब देखे का मिला रहा है, लेकिन वह अभियान अब ठंड हो गया है। अगर बीट प्रभारी ईमानदारी से काम करे तो अपराधन में रोक लगाई जा सका थी। यह अभियान लय के दुकानदार या कहीं की एका जरूरत बिछिया पाड़े टोला घोंघर गुड़ चौराहा कबाड़ी मोहल्ला के साथ साथ स्टेडियम और खाली पड़े स्थानन में, जहां जुआ और सत्ता के साथ साथ शराब बिक्री और अपराधी के जमावड़ा लगा रहा था और योजना बना के अपराधन का अंजाम दिन जा रहा है। जाओगे मीटिंग में सबसे आदमी तुमको बुला रहा है। ये अभियान तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेन कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया गया एक प्रयास था, जिसमें मैंने सभी थाना प्रभारियों के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया और जहां जो भीड़भाड़ वाले स्थान थे, जहां बेतरतीब लोग पार्किंग करके वाहन चले जाते, तो मेन वाहनों की पार्किंग को नियंत्रित करना और साथ ही जो आवारा और शरारती तत्व हैं वो अनावश्यक ही रोड पर खड़े रहते हैं, जाम लगाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए एक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई थी, जिससे कि आमजन आसानी से शहर में भ्रमण कर सके। कई वाहन ने शराबी पी के उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, साथ ही समझाइश भी दी है ऐसे लोगों को कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
छात्र के साथ मारपीट की गयी। यह युवक का चलत रोड में रुकावागा और एक फोटो दिखावागा और फोटो दिखाए के बाद मारप शुरू कर दीनगा। बतावा जात है कि यह युवक सोशल मीडिया में कुछ कमेंट कर दी था। मारे वाले युवक अपने दोस्त कैसे वह युवक का मारे खींची आए रहे हैं। जनते क्या है ना, हम बचनते हैं, हम कट रहे हैं, बचनते है क्या है अभी हमारे तक कोई सूचना नहीं आई है, आपके माध्यम से ये वीडियो पता चला है। इस वीडियो की हम तस्दीक कराते हैं और उसके बाद यदि कोई तथ्य आएंगे, उसकी प्रमाणिकता मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। मासूम युवती का शादी के झांसा देके हवस के शिकार बनावा जाता है। ऐसे खबर रीवा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र से ही, जहां शादी के झांसा देके हवस के शिकार बनावा गया है। आरोपी के नाम स्वरूपानंद द्विवेदी है, अदरैला थाना क्षेत्र के भारण के रह वाला है। सूत्रन के कैसे यह खबर मिली कि यह आरोपी सेना में जवाना है। युवती यह बताई कि जब वह शादी करे का बोला लाग तब मुकर जात रहे और मरता रहा है। जेखर शिकायत युवती महिला थाना में कही सी, दुष्कर्म के मामला दर्ज कीन गा है और आरोपी के तलाश कीन जात लागी। अपना पंच सुनी का जानकारी देते हैं यह मामला का लगे एडिशनल SP अनिल कुमार सोनकर। एक महिला जो है उसने महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है कि 2019 में एक उसके परिवार के रिश्ते में महनोई लगता है, जिससे उनका संबंध था और वो प्रेम संबंध में उनने शादी करने का आश्वासन दे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और लगातार बीच बीच में बनाते रहे, और 2021 के बाद वो उनसे शादी के जो वादे को तोड़ दिया और शादी करने के जब भी अवसर उनको मिला, शादी की बात हुई तो वो उससे पीछे हटने लगे और आना जाना बंद कर दिया। महिला ने काफ़ी प्रयास किया और संपर्क नहीं हुआ तो पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने जो है उस आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है कल और उसकी विवेचना जारी है। सर आरोपी का नाम क्या है, क्या करता है? आरोपी जो है वो तेउथर क्षेत्र का रहने वाला है, अभी आपको बताना उचित नहीं है और जिससे कि वो फरार हो जाए, क्योंकि हमें ये उसको अभी रक्षा में लेना है। जैसे ही अपग्रेड होगा तो मैं आपको अलग से प्रत्यक्ष से बताऊंगा। सर एयरफोर्स का जवान बताया जा रहा है, इसकी सूचना मैं आपको प्रत्यक्ष से दूंगा।